नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 21 मई 2021 को 139 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ एक्टिव केसों की संख्या अब घटकर 2055 तक पहुंच चुकी है। कोरोना टेस्टिंग, बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 2712, रिपोर्ट प्रलंबित 1977। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई शहर के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि आज 186 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 93,418 और इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों का रिकवरी रेट 96.3% दर्ज किया गया। दुखद घटना, आज नवी मुंबई शहर में फिर 9 व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा अब बढ़कर 1,544 तक पहुंच चुका है। तो इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल है 86 महिलाएं और 100 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल हैं बेलापुर से 13 महिलाएं, 25 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। नेरुल से 19 महिलाएं, 15 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वाशी से 8 महिलाएं, 8 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। तुरभे से 10 महिलाएं, 13 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोपे खैरने से 11 महिलाएं, 11 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। घनसोली से 4 महिलाएं, 16 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। एरोली से 20 महिलाएं, 9 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। दीघा से 1 महिला, 3 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं कि आज नवी मुंबई में क्या रहा कोरोना का ग्राफ। बता दें कि बेलापुर में 12 महिलाएं 13 पुरुष मिलाकर 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। नेरुल में 12 महिलाएं 13 पुरुष मिलाकर 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। वाशी में 14 महिलाएं 16 पुरुष मिलाकर 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तुरभे में 9 महिलाएं 11 पुरुष मिलाकर 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोबे कहने में 7 महिलाएं 7 पुरुष मिलाकर 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। घनसोली में 3 महिलाएं 8 पुरुष मिलाकर 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। एरोली में 1 महिला 9 पुरुष मिलाकर 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि दीघा में 2 महिलाएं 2 पुरुष मिलाकर 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।